यह है कुछ सुबह सुबह का नज़ारा, एकदम धुंध छाई हुई है, काफी ज्यादा धुंध है आज। 15 मीटर के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, देख सकते हैं ये 15 मीटर का लेंथ है यहाँ से, उसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बैठा हूँ छत पे और वैभव उधर गेहूँ फैला रहे हैं सूखने के लिए। ये गेहूँ पड़ा है ये इधर, और इसको वहाँ पे ले जाके सुखा रहे हैं। देखिए वैभव वहाँ पे डाल रहे हैं सूखने के लिए। काफ़ी अच्छी धूप निकली है और आटा पिसाने के लिए इसे धोया गया है। हर्ष देखो यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, पे खड़े वाले छत पे बहुत ज़्यादा तंग करता है। फिलहाल आज का यही काम है, लकड़ियाँ वहाँ पे सेट की हैं, देखो वहाँ पे लकड़ियाँ सेट कर दी है, पूरी फैली हुई थी तो उनको सेट कर दिया है। और अभी हम बैठे हैं थोड़ी धूप गया, 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 ले रहे हैं। सो गाइस अभी मैं नहा वहा के रेडी हो गया और बैठा हूँ मैं अपने घर के बाहर मंदिर पे। और आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, धूप निकल गई है। सुबह तो बहुत ज़्यादा धुंध थी लेकिन अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। तो बैठे हैं यहाँ पे और टाइम पास कर रहे हैं, आज कोई काम तो है नहीं तो सारा दिन आज घर पे ही रहना है। तो अभी आ रही है चावल निकालने वाली मशीन, यहाँ पे थोड़ा चावल निकालना है घर पे, तो वो है मशीन, वो आ रही है। और पहले यहाँ पर एक बोरी चावल हम लोगों ने रखा है धान निकाल के, इसको निकाल के देखेंगे। तो ये है चावल निकालने की मशीन, इस साइड लगा हुआ टैंक, इसमें उसकी जो भूसी होती है हो वो जाती है। ये है पालेसर, ये जो लगा है इसमें पहले एक बार डालेंगे और उसके बाद में उधर डालेंगे तो पॉलिश करता है। पहले यहाँ पे रफ निकालता है फिर वहाँ पे पॉलिश करता है। यहाँ पे जो है इसकी भूसी निकलती है, भूसी जाती है इसमें, और उसके बाद में उधर जो है वो चावल पॉलिश होके निकलता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे चावल डाल दिया धान, बढ़िया ले घर पे, ये है धान उसमें डाल दिया है और मशीन चालू हो गई है। चावल निकल रहा है, यहाँ पे लकड़ी काट रहे हैं। देखो क्या काट रहे हैं, लकड़ी, देखो ठंडी में लकड़ी काटी जा रही भाई। नमन लगे हुए हैं लकड़ी काटने में दोनों भाई, और मेरा वीडियो हो गया है शूट, अब हम जाएंगे घर पे। सो गाइस अभी मैं आ गया था खेतों में और ये देख सकते हैं ये है आलू का खेत, इसमें आलू लगा हुआ है। और ये है एक छोटी सी मूली जो यहीं पर लगी हुई है आलू के खेतों में साइड में, तो यहाँ पर इसी तरह से मूलियाँ भी लगा दी जाती हैं आलू के साइड में। तो ख़त्म हो गई, यहाँ पे एक ही बची है, तो मैंने सोचा आपको दिखा दे।
फिलहाल मैं आ गया था यहाँ पे खेतों में घूमने के लिए, और आप देख सकते हैं इस साइड में है सरसों का खेत और यहाँ पे है गेहूँ का खेत। ये है गेहूँ का खेत और वहाँ पे देखो, वहाँ पे जो है खेतों में डाल रहे हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं खेतों में खाद डाली जा रही। तो यही कार्यक्रम है यहाँ पे जो भी है चल रहा है। मैं आया था यहाँ पर एक टेक वीडियो शूट करने के लिए, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाते हैं खेतों की हरियाली, और सर्दी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है ये देख करके, ऐसा नज़ारा रहता है हमारे खेतों का। और गर्मियों में तो उजड़ा चमन आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। सो गाइज, आज का ये जो ब्लॉग है, आपने अगर यहाँ तक देख लिया है तो ब्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।